आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल से खुद का बायोडाटा बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल कंप्यूटर जैसा, जैसे लगेगा कि कंप्यूटर से प्रिंट आउट किया हुआ हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक काइन मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। ये वाला ऐप काइन मास्टर ऐप को फ्रेंड्स आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का होता है काइन मास्टर। ये वाला काइन मास्टर है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं काइन मास्टर ऐप को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑप्शन ढेर सारा ऑप्शन दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 9:16 वाला ऑप्शन को लेना है, ये वाला फ्रेंड्स। तो चलिए मैं 9:16 वाला ले लेता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको यहां से फ्रेंड्स ये कोने में जो इमेज एक्सट्रैक्ट दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसको यहां से क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां से वाइट वाला ये बैकग्राउंड ले लेना है। तो चलिए मैं वाइट वाले पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ से क्रॉस वाले निशान पर क्लिक करके इसे हटा देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से मैंने वाइट बैकग्राउंड ले लिया और इसको यहाँ से पकड़ के इस साइड कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टेस्ट का, तो आपको इस टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में लिख देना है बायोडाटा। तो चलिए मैं फटाफट लिख देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ बायोडाटा लिख दिया। इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स ये तो दिख नहीं रहा, देखिए वाइट में वाइट नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए आपको यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे जाना है और ये कलर वाले ऑप्शन को चूज करना है और यहाँ से आपको ब्लैक ले लेना है। अगर आप चाहें तो दूसरा भी कलर ले सकते हैं, लेकिन वाइट में ब्लैक राइटिंग से ही रहता है। तो चलिए यहाँ से ओके कर देते हैं और देखिए ये ब्लैक हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ ए फॉन्ट लिखा हुआ है, तो आपको इस फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो इसमें से जो आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। तो मुझे ये वाला अच्छा लगता है, ये नॉट सेरिफ बोल्ड जो लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो थोड़ा सा ये जो बायोडाटा है देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा ये सही देखने में लगने लगा और इसको आपको ऐसे ऊपर में एडजस्ट कर देना है। तो देखिए मैंने इसे ऊपर में एडजस्ट कर दिया, लेकिन आपको सेंटर में एडजस्ट करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ये वाला सेंटर हॉरिजॉन्टली, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है तो ये एकदम सेंटर में हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में एक ऑप्शन है डुप्लीकेट का, तो आपको डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसे नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे पकड़ के, तो ये देखिए 2 हो गया है। इसके बाद आपको यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से हटा देना है और इसमें आपको सबसे पहले लिखना है नेम। तो चलिए मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ और फिर इस तरह से कर देता हूँ। फिर यहाँ से नेम के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, DOB मैंने लिख दिया इस तरह से यहाँ पर। फिर इसे नीचे करेंगे और नीचे करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लिख देंगे हाइट। तो चलिए मैं हाइट लिख देता हूँ, हाइट लिख दिया। फिर यहाँ से डैश करेंगे और फिर इसे नीचे की तरफ करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे RELIGION रिलीजन लिख दिया फ्रेंड्स। फिर डैश दिए, इसके बाद आपको जो जो लगता है कि लिखना चाहिए वो सब चीज़ आप यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर कलर लिखना है COLOUR कलर लिख दीजिए इस तरह से, और आपको जो भी लगता है आपको अगर वेट डालना है तो वेट भी लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं यहाँ पे नीचे में एजुकेशन लिख देता हूँ, EDUCATION एजुकेशन लिख दिया मैंने फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इसे थोड़ा सा छोटा कर देना है, क्योंकि ये डिस्प्ले छोटा है इसीलिए आपको ये छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन जब ये बनने के बाद ये बहुत बड़ा दिखेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद और थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टेस्ट ऑप्शन, तो इस टेस्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ये वाला आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये जो है एक जैसा हो गया, सब एक लाइन में आ गया। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से इसे थोड़ा सा और छोटा कर देना है, छोटा करने से थोड़ा सा सही रहेगा। तो चलिए ये जो बायोडाटा है फ्रेंड्स, ये बायोडाटा को थोड़ा सा हम इधर लेफ्ट में खिसका देते हैं ताकि यहाँ पर हम राइट साइड में एक फ़ोटो लगा सकें। तो चलिए
या फिर सेंटर में ही रहने देते हैं इसको, और नीचे हम लगा देंगे खुद का फ़ोटो। तो चलिए यहाँ पे अपना देखिए मैंने लिख दिया इस तरह से, इसको टच करके थोड़ा सा और साइड कर देते हैं। इस तरह से करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसे फिर से यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद फ्रेंड्स देखिए जब खींचेंगे ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले ऊपर में नेम है, तो आपको नेम को यहाँ से कट करना है और नाम के जगह पर आपको अपना नाम लिख देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कन्हैया कुमार और फिर डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ कट करने के बाद आपको जो भी है 3496 डाल दिए फ्रेंड्स। इस तरह से जो भी आपको डालना है ABCD जो भी आपको डालना है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको सही सही करके दिखा देता हूँ। 1996 डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ से फिर नीचे जाना है और हाइट वाला जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये वाला हाइट वाला ऑप्शन है, तो हाइट वाले ऑप्शन को यहाँ से फिर कट करना है और हाइट की जगह पे आपको 5 फीट, चलिए हम 5 फीट 7 इंच हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 लिख दिया और पॉइंट दे दिए और 7 दे दिया और यहाँ पे INCHES इंचेस लिख दिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे रिलीजन है, रिलीजन को हटा के यहाँ पे हमने डाल दिया हिंदू। हिंदू में फ्रेंड्स हमेशा जो है कैपिटल लेटर होता है, तो हम कैपिटल डाल देंगे। तो देख सकते हैं डाल दिया। और कलर है, कलर में आपको जो डालना है गोरा काला जैसा भी आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फेयर। उसके बाद एजुकेशन है, एजुकेशन में आप जो भी पढ़े लिखे हैं PhD MMD जो भी किए हुए हैं सब आप चाहिए दिए, तो इसमें जो भी किए हुए आप एजुकेशन में, तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 10th। और यहाँ पे परसेंटेज भी डाल देता हूँ और साइड में इसे लिख देता हूँ सेकेंड डिवीज़न। और यहाँ पे DIVISION डिवीज़न लिख के ऐसे ब्रैकेट दे दिया फ्रेंड्स, और उसके बाद यहाँ पे इंटर कर दिया INTER इंटर दे के, और फिर ब्रैकेट देके लिख दिया यहाँ पे FIRST फर्स्ट DIVISION। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने डाल दिया यहाँ पे, आपको भी ऐसे ही करना है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल दिया, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर नीचे की तरफ जाना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन वही दिखेगा टेस्ट वाला, ये टेस्ट ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है और फिर से ये वाला ऑप्शन को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ से एकदम सेम टू सेम सही जगह पे आपको एडजस्ट करना है, ताकि एकदम सब बराबर में रहे, तभी ये अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे कर दिया इसको, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर देता हूँ। नीचे करने से क्या होगा, हम साइड में एक फ़ोटो भी लगा लेंगे, तो थोड़ा सा हम इसे नीचे कर देते हैं फ्रेंड्स, और बायोडाटा को थोड़ा सा इस साइड कर देते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है इसको, ये एकदम सही से हो जाए। और इसके बाद फिर से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ से एक, चलिए फ्रेंड्स इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ और इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। फिर आपको बायोडाटा पे क्लिक करना है, और बायोडाटा पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से एक डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद देखिए ये यहाँ पे आ गया, और इसको यहाँ पे ऐसे लगा देना है। और लगा देने के बाद फिर से एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लिख देना है FAMILY फैमिली, DETAILS फैमिली डिटेल्स, तो आपको ऐसे लिख देना फ्रेंड्स फैमिली डिटेल्स, और ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो ये थोड़ा सा बोल्ड लेटर में हो जाएगा। तो इसके बाद फैमिली डिटेल्स पे लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको इसे ऐसे ही रहने देना है, और छोटा करना है तो और भी छोटा कर दें थोड़ा सा, ताकि बाद में ये आपको बड़ा ही दिखेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से इस पर ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसको यहाँ से एक
डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद इसको नीचे की तरफ यहाँ पे कर देना है फ्रेंड्स। नीचे की तरफ करने के बाद आपको यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सबको हटा देना है और आपको फैमिली डिटेल्स में फादर्स का नाम लिख देना है, FATHERS, फादर्स नेम डाल देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स इसे डैश दे देना है और इसके बाद फिर यहाँ से डाल देना है MOTHERS। मदर्स नेम डाल देना है फ्रेंड्स। और इसके बाद आपको जो भी डालना है यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आई हैव डाल देता हूँ। जितना भी आप ब्रदर हैं, आप जितना भी ब्रदर हैं आप वहाँ पे इतना डाल देंगे फ्रेंड्स। तो चलिए मैं उतना ही डाल देता हूँ। चलिए यहाँ पे खाली जगह डाल दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे खाली जगह डाल दिया आई हैव, मतलब फिर यहाँ पे लिख देना आपको BROTHERS ब्रदर, और फिर डालना है एंड, और एंड डालने के बाद फिर से आपको डैश डाल देना है फ्रेंड्स। डैश डालने के बाद देखिए आपको ऐसा कर देना है, फिर आपको यहाँ से लेना है और ऐसा कर देना। और यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया इसीलिए आपको 2, 3, 4 जो भी डालना है एंड इतना 3, 4 जो भी डालना है, और फिर यहाँ पे लास्ट में डाल देना है सिस्टर। इस तरह से डाल के फ्रेंड्स आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपको इसे यहाँ पे ऐसे लगा देना है। लगा देने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फिर से यहाँ से जाना है और इसका एक डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद देखिए इसको नीचे करना और एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद फ्रेंड्स ऊपर में फादर्स नेम है, तो चलिए मैं फादर्स नेम ले लेता हूँ, और नीचे में मदर्स नेम है तो मदर्स नेम डाल दूँगा। फादर्स नेम चलिए मैंने कुछ भी डाल दिया फ्रेंड्स, ABCD कुछ भी डाल दिया, तो चलिए मैं यहाँ पे डाल दिया। और मदर्स नेम भी कुछ भी डाल दिया, कुछ भी ऐसे डाल दिया। चलिए फ्रेंड्स तो आपको समझ में आ जाए कि मैंने ये चीज़ डाल दिया, और फिर ओके कर दिया। ओके करने के बाद फ्रेंड्स इसको साइज़ को छोटा बड़ा नहीं करना है आपको, बस इसको उठा करके ऐसे यहाँ पे बराबर में लगा देना है। तो मैंने देखिए लगा दिया फ्रेंड्स ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे फादर्स नेम और मदर्स नेम जो भी था मैंने डाल दिया। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फिर से फैमिली डिटेल्स पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसका एक डुप्लीकेट ले लेना है, और डुप्लीकेट लेने के बाद इसको यहाँ पे नीचे ले आना है। नीचे लाने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपको यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है एड्रेस ADDRESS। एड्रेस लिख के फ्रेंड्स आपको यहाँ से ओके कर देना है, और ओके करने के बाद इसको यहाँ से ऐसे सेव कर देना है। देखिए एड्रेस लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको इसे रहने देना है, और फिर नीचे इसको एक बार क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद एक यहाँ से डुप्लीकेट ले लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने डुप्लीकेट ले लिया, फिर यहाँ से इसे क्लिक किया और इसको यहाँ से सबको यहाँ पे हटा दिया। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा सा और आपको कहीं कोई भी वीडियो में नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको विलेज डालना है, मैंने यहाँ पे डाल दिया फ्रेंड्स विलेज BILLAGE विलेज डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे डाल देना फ्रेंड्स पोस्ट जो भी आपका, उसके बाद डाल देना फ्रेंड्स आपको POLICE पुलिस STATION पुलिस स्टेशन डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो तहसील है तो TEH तहसील डाल देना फ्रेंड्स। इसके तहसील डाल देना फ्रेंड्स, तहसील डालने के बाद आपको यहाँ पे स्टेट डाल डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, DISTRICT डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। उसके बाद आपका कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे, सॉरी आपको यहाँ पे स्टेट डाल देना है, और स्टेट डालने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डाल के इसे कर देना है, और उसके बाद सबसे नीचे में आपको डाल देना है कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर इसे यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे
देखिए ये इस तरह से हो जाएगा और आपको यहाँ पे इसे रहने देना है। और रहने देने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसको यहाँ से फिर से डुप्लीकेट कर लेना है। और डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसको आपको यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है। लगा देने के बाद फ्रेंड्स अब तो आप समझ ही गए होंगे, फिर से इसको यहाँ से हम एडिट पे जाएंगे। और एडिट पे जाने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे विलेज के जगह देखिए मैंने डाल दिया मेरे गांव का नाम ABCD। इस तरह से आपको सेट कर देना है। पोस्ट के जगह पे भी मैं पोस्ट के जगह पे मैंने एकदम सेम आपको वैसे ही लिख देना है, तो मैंने आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। और इसके बाद पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन भी आपको कुछ कुछ डाल देना है, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है CDA कुछ भी डाल दिया। इसके बाद तहसील डाल दिया, चलिए मैं तहसील डाल देता हूँ, डाल दिया। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट है तो हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को डाल देते हैं। आपको जैसे जैसे है इसमें वैसे वैसे डालना है फ्रेंड्स, ठीक है ये। उसके बाद यहाँ पे स्टेट है, स्टेट आपको यहाँ से स्टेट डालना है। उसके बाद यहाँ से आपको पिन कोड डालना है, आपको याद रहे जो जो जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे डालना है। उसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर को हटा देना है। और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट नंबर के जगह पे डाल दिए। और इसके बाद यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको आपको एकदम बराबर में क्लिक करना है फ्रेंड्स, ताकि एकदम सब सबके बराबर में रहे। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स मैंने जो है डाल दिया। आपको जो भी लिखना है आप और कम और ज़्यादा लिख सकते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। और लिखने के बाद फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे एक लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। लेयर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपको चाहिए तो आप नीचे में यहाँ पे अपना नाम खुद का लिख सकते हैं, एक साइन कर सकते हैं। तो साइन करना है तो आप यहाँ पे साइन कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से हैंड राइटिंग में जाना है और यहाँ से इस पेन पर क्लिक करके ये सीधा लाइन ले लेना है। सीधा लाइन लेने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पर चूज कर लेना है ये वाला। और इसके बाद आपको यहाँ से एक लाइन खींच देना है, सॉरी ये हटा के हम लेते हैं इसको ब्लैक कलर। ब्लैक कलर लेके फ्रेंड्स यहाँ पे इसको आपको एक लाइन ऐसे खींच देना है ताकि यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद आपको यहाँ से मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से कैमरे में जाना है। और कैमरे में जाने के बाद आपको खुद का फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो को आप फ्रेंड्स क्रॉपिंग करने के लिए यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्रॉपिंग का, तो आपको क्रॉपिंग पे क्लिक कर देना है। क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आप इसे जैसे चाहे इसे यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको क्रॉप करके इसे छोटा कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इस फ़ोटो को छोटा कर दिया। और इसके बाद आपको यहाँ से इसे छोटा कर देना है। और छोटा करने के बाद आपको यहाँ पे फ्रेंड्स इसे लगा देना है कोने में। तो देखिए मैंने फ्रेंड्स लगा दिया फ़ोटो को। तो मैंने फ़ोटो को कोने में लगा दिया फ्रेंड्स। इसके बाद देख सकते हैं आप मैंने फ़ोटो पूरा बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन ये वाला दिखेगा, ये वाला ऑप्शन आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चर एंड सेव का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है फ्रेंड्स आपका बायोडाटा जो है बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए ये बायोडाटा कैसा है अब हम आपको यहाँ से होम स्क्रीन पर ले जाते हैं। और फ़ोटो को ओपन करने के बाद देखिए ये वाला जो फैमिली डिटेल्स मैंने बनाया था ये फ़ोटो भी मैंने कोने में डाला और ये बायोडाटा जो है बन के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए ये बायोडाटा बिल्कुल कंप्यूटर जैसा बना है। और इसमें आप जो भी घटाना बढ़ाना चाहते हैं, वो एक्स्ट्रा भी और कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।